जय केसरीनाथ जी, यानी केसरिया आदिनाथ भगवान की जय। यही बोलकर हम साल की शुरुआत करते हैं, यानी दिवाली के अगले दिन हम सभी जय केसरीनाथ जी बोलते हैं। तो ये जय केसरीनाथ जी यानी आदिनाथ भगवान, जो कि धुलेवा नगरी यानी उदयपुर से 40 किलोमीटर जो धुलेवा नगरी है वहाँ पर धुलेवा गांव में यह आदिनाथ भगवान केसरिया आदिनाथ भगवान विराजमान है, ये सब हम जानते ही है। पर ये प्रतिमा जी कितनी प्राचीन है, ये प्रतिमा जी कैसे मिली, ये सब हमें थोड़ा जानने की जिज्ञासा हुई। तो हम इतिहास में थोड़ा हमने रिसर्च किया और तब हमें पता चला कि बहुत साल पहले, मतलब बहुत समय पहले, ये धुलेवा नगरी का एक किसान रहता था। उस किसान के काम धेनु गाय, वो गाय हमेशा एक ही जगह पर, एक ही सेम स्पॉट पर रोज दूध गिराती थी। तो एक दो दिन तो समझ में आता है, पर कंटिन्यू बहुत दिनों तक ये निरंतर एक ही जगह पर दूध गिराती थी। तो ये लोगों के लिए भी एक आश्चर्यजनक जैसी बात हुई, उनको लगा कि ये शायद कुछ संकेत है। और वो जिस जगह पर दूध गिराती थी उस जगह पर खोदने पर यह प्रतिमा जी प्राप्त हुई। इसके साथ साथ में ये प्रतिमा जी कितनी प्राचीन है ये हमने देखने का प्रयास किया। तो इतिहास में एक ऐसी भी मान्यता है कि यह प्रतिमा जी 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी भगवान के समय में लंकाधिपति रावण, प्रतिवासुदेव रावण द्वारा यह प्रतिमा जी पूजित है, और साथ ही साथ सिद्ध भगवान श्री राम द्वारा भी यह प्रतिमा जी पूजित है। तो इससे यह प्रतिमा जी की प्राचीनता का भी अनुमान लगता है, यानी कितनी प्राचीन है प्रतिमा। और साथ ही साथ ये प्रतिमा जी बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली भी मानी जाती है। अद्भुत तो है और साथ ही साथ बहुत से लोगों के लिए प्रतिमा जी प्रभावशाली है, चमत्कारी। बहुत से लोग इस प्रतिमा जी को चमत्कारी भी मानते हैं। अब हम जो मंदिर में जो रोज आरती बोलते हैं, जय जय आरती आदि जीवन, उसमें गाता आती है दूसरी आरती दीन दयाला धुलेवा मंडप माँ जग अजुवाला। तो ये धुलेवा मंडप और ये आरती का क्या करना, मतलब ये धुलेवा मंडप और ये जो धुलेवा नगरी का, ये दोनों सेम है, ये हमने जानने का प्रयास किया। तो ये आरती और ये प्रतिमा जी का क्या कोई कनेक्शन है, तो ये हमने जानने का प्रयास किया। तो इससे हमें जो समाधान मिला है ये हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। हमारी अगले वीडियो यानी अगले रविवार 6 अक्टूबर को आएगी, तो जानने के लिए आप अगली वीडियो अवश्य में देखिएगा। परमात्मा के आगे कुछ भी कहो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।